हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि HVAC के बहुत सारे टर्म्स जो हैं, और वो टर्म्स के बारे में जानेंगे कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बार वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका है ना बेसिक जो है ना बहुत सारा बेसिक जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। सो हम ए से आते हैं। और अगर एक बार आप क्या कीजिएगा कि पैकेज यूनिट का या किसी भी यूनिट का एक बार फोटो ले लीजिएगा कहीं से, और उसमें मार्क कर लीजिएगा, या मेरी पुरानी वीडियो जो 70 क्वेश्चंस वाली जो वीडियोस थी उसको आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपका बेसिक्स जो है ना कम्प्लीट हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जो जो टर्म्स आते हैं HVAC में उन टर्म्स को एक बार रूबरू हो जाना है। तो सबसे पहला टर्म्स जो आता है कॉयल, तो ये आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि एवापरेटिंग कॉयल्स है, एवापरेटर कॉयल्स आप देख सकते हैं। एक्यूमुलेटर जो मेरी लास्ट वीडियो थी मैंने उसको अच्छे से समझाया है। यहाँ पे बता देता हूँ, अ डिवाइस इंस्टॉल टू सक्शन लाइन, ठीक है। जब एवोपरेटर से लेके कंप्रेसर तक जो लाइन होती है उसको सक्शन लाइन कहते हैं। सक्शन लाइन बोला था, सक्शन लाइन ऑफ द एयर कंडीशन टू प्रिवेंट लिक्विड फ्रॉम इंटरिंग द कंप्रेसर। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे वीडियोस देख लीजिएगा। सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स हेयर। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब एक डिवाइस होती है जो कंप्रेसर से पहले लगाई जाती है, वो क्या करती है कि लिक्विड को अंदर जाने नहीं देती है। मेरी वीडियोस देख लीजिएगा आप, उसमें है एयर बैलेंस। एयर बैलेंस क्या आता है, डिस्क्राइब करते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर इन द HVAC सिस्टम। एयर बैलेंस वर्ड यूज़ होता है डक्टिंग में। मैंने बताया है कि एयर बैलेंसिंग क्या होता है, पूरी अच्छी तरीके से डक्टिंग में बताया है। तो एक बार आप डक्टिंग की वीडियो भी जाके देख सकते हैं हमारी, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एयर बैलेंस कहते किसको हैं। इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एयर इन HVAC सिस्टम, किस तरह से एयर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे HVAC सिस्टम में। एंड द बैलेंस सिस्टम इज एनफ टू डिस्ट्रीब्यूट टू मैच द अमाउंट रिक्वायर्ड ऑल द पार्ट ऑफ द सिस्टम एनी गिवन टाइम। इसका मतलब है कि जहाँ पे एयर बैलेंसिंग ये होता है, जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है, कितने एयर के रिक्वायरमेंट है, CFM में नापते हैं इसको, तो वहाँ पे हम पार्टिकुलर सिस्टम में कितना गिवन टाइम में हमारा एयर पहुँच रहा है उसको एयर बैलेंसिंग कहते हैं। एयर चेंज पर आवर्स होता है, तो ACH कहते हैं इसको, एयर चेंज पर आवर्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसको हम समझेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स द इंटायर वॉल्यूम ऑफ एयर इन द बिल्डिंग इज रिप्लेस बाय द नेचुरल वेंटिलेशन एंड द एयर कंडीशनिंग ड्यूरिंग द 1 आवर्स। तो ये जानना ज़रूरी है कि जो एयर चेंज पर आवर्स होता है कि एक वॉल्यूम होता है रूम की, अगर वॉल्यूम मान लीजिए तो वो वॉल्यूम जो है एयर जो वो क्या करता है कि वो रिप्लेस करता है नेचुरल वेंटिलेशन एयर कंडीशंस की, जो एयर है उस एयर को कितना एक घंटे में रिप्लेस हो रही है उसी को कहते हैं SCH, एयर चेंज पर यूनिट पर आवर्स। तो एयर डिफ्यूज़र क्या होता है, मेरी 70 वाली वीडियोस में मैं आपको बताया हूँ कि एयर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, 70 क्वेश्चन वाली। यहाँ पे सारा मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एज अ डिक्शनरी में बता रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें आपको टर्म्स पता होनी चाहिए कि एयर डिफ्यूज़र के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट विच कंडीशन एयर इज मिक्सड विद द रूम, टिपिकली दे आर कवर्ड विद सम टाइप ऑफ ग्रीव लोकेटेड इन द फ्लोर और सीलिंग्स। तो एयर डिफ्यूज़र के बारे में अगर जानना है कैसा दिखता है, कैसा दिखता है नहीं दिखता है, तो मेरा एक मोस्ट व्यूड है वो वीडियो, और उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये एयर डिफ्यूज़र इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हम पूरी बिल्डिंग में किस तरीके से कंडीशंस जो एयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सपोज़ कि हमने एयर डिफ्यूज़र मैंने रूम में लगाया है, तो वो पूरे टिपिकली
तरीके से हमारे रूम को सही तरीके से एयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये तो कभी कभी हम फ्लोर पे भी लगाते हैं और सीलिंग में भी लगाते हैं। मैं आपसे यह रिकमेंड करता हूँ, एंड वीडियो के एंड में भी मैं लिंक दे दूँगा, जो 70 क्वेश्चन मैंने बनाया था, लगभग 1 घंटे की है, उसके अंदर सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पीक्स मैंने मेंशंस किया है। एयर चेंज रेट क्या होता है? एयर चेंज रेट होता है कि हाउ क्विकली एयर इंडोर इज रिप्लेस बाय द आउटसाइड एंड कंडीशन एयर। इसमें क्या होता है कि कितना ज़्यादा कितना जल्दी जो एयर जो है रिप्लेस हो रही है हमारी रूम की, या तो आउटसाइड की या तो कंडीशंस जो एयर है उससे कितना रिप्लेस हो रही है। अब आते हैं आगे के बारे में जानने के लिए। द एयर चेंज रेट इज ऑफन मेजर्ड इन ACH पर आवर्स। ये मैंने पहले वीडियो में बता पहले लाइन में बता रखा है। अब एयर फ्लो क्या होता है? एयर फ्लो ये ए से जितने होने वाले वर्ड्स हैं ना उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। द फ्री मूवमेंट ऑफ एयर, ये फ्री मूवमेंट ऑफ एयर को एयर फ्लो कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स जो हैं, एयर फ्लो वॉल्यूम, एयर फ्लो वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एयर एंड कुछ मिस स्पेल हुआ यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ एयर एयर कंडीशन सर्कुलेट थ्रू योर होम टिपिकली मेजर द क्यूबिक पर मिनट। अब एयर वॉल्यूम क्या होता है कि वो द अमाउंट ऑफ एयर जो का अमाउंट है, जो कंडीशन एयर का जो सर्कुलेट कर रही है हमारे पूरे होम में, उसको CFM में मेज़र करते हैं। एयर हैंडलिंग क्या होता है? एयर हैंडलर, इसको HU भी कहते हैं। द मूवमेंट पार्ट इनसाइड द होम दैट प्रोपेल एयर थ्रू द डक्ट सिस्टम, द फर्नेस एंड बॉयलर कॉइल्स ऑफन सर्व इन द फंक्शंस। एयर हैंडलिंग, एयर हैंडलर और एयर हैंडलिंग यूनिट, इसको आप मैंने बताया कि एक बार आप जाके HU के मेरे बहुत सारे पार्ट्स में जाके देख सकते हैं। ये होता क्या है कि ये HU लगाते हैं, इसको एयर हैंडलिंग यूनिट कहते हैं। ये क्या करता है कि जैसे जो भी कंडीशंस एयर हमारी आ रही है वो कंडीशंस एयर को प्लेनम के थ्रू, डक्ट्स के थ्रू, प्लेनम एज अ फॉर्म ऑफ डक्ट्स, उसके थ्रू हमारे स्पेस में भेजता है। उसमें एक बॉयलर सॉरी ब्लोअर लगा रहता है, बॉयलर आगे वर्ड्स में खैर लीव इट, तो ब्लोअर लगा रहता है, उस ब्लोअर से वो भेजता है। तो ये है एयर इनफिल्ट्रेशंस क्या होता है? एयर फिल्ट्रेशंस होता है जो एयर हमारे रूम में आती है अलग अलग जगह से और हम उसको लीकेज कहते हैं। जैसे कि हमने पूरे रूम को पैक कर दिया है और फिर भी हमारे दरवाजे के नीचे से जो मेरे रूम में एयर आ रही है या हम बार बार खोल रहे हैं आ रहे हैं, उसी को कहते हैं एयर इनफिल्ट्रेशंस। एयर पैसेज क्या होता है? पास स्पेस थ्रू और विद इन वॉल्स। अब एयर पैसेज क्या होता है? ये जैसे हमारा वॉल्स है, फ्लोर है, सीलिंग है, वो अलाउ करता है एयर कंडीशंस को मूव आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये जो आउट ऑफ द स्ट्रक्चर हमारी एयर कंडीशंस एयर जा रही है उसी को कहते हैं एयर पैसेज। ऑल इन वन सिस्टम क्या होता है? आपको पैकेज यूनिट मैंने अभी बताया कि एक बार जाके पैकेज यूनिट को देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसके अंदर अटैच नहीं कर सकता हूँ इस तरह की वीडियो जो मैं इस तरह से स्क्रॉल करके पढ़ा रहा हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सी, क्योंकि मैं स्लाइड नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इसको नहीं देख पाऊँगा। आप एक बार करेंगे, आप एक मेरी वीडियोस में ही मैंने पैकेज सिस्टम को दिखा रखा है, तो आप एक बार, अब जैसे ब्लोअर मैंने बताया अभी, बी से जो ब्लोअर होता है वो आप एयर हैंडलिंग यूनिट में जाके देख लीजिएगा। BTU मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोस्त, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ कि हीट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द 1 pound ऑफ वाटर ऑफ 1 Fahrenheit, एबिलिटी ऑफ एयर कंडीशन टू एक्सट्रैक्ट हीट इज ऑफ एन एक्सप्रेस इन BTU। तो ये BTU एक थर्मल यूनिट है,
ये इस चीज़ के बराबर होती है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कि हम एक पाउंड ऑफ वाटर को, एक पाउंड ऑफ वाटर को एक फारेनहाइट तक बढ़ा दें। इसी को BTU कहते हैं। अब यहाँ पे BTU पर आर्स की वर्ड आता है, नंबर ऑफ BTU पर। अगर मुझे, अगर आपको BTU अगर नहीं समझ में आया तो फ्रेंड्स मेरी एक वीडियो है बेसिक्स ऑफ HVAC, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ये एक डिक्शनरी है जिसमें मैं पूरे एयर कंडीशंस में जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको एक बार में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस टर्म्स एज यू कैन विजुअलाइज, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अटैच एनी इमेज। सो प्लीज़ गो थ्रू द इमेज पोर्शंस। चलिए, अब द नंबर ऑफ BTU पर आर्स डैट एयर कंडीशंस कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंडीशंस एरिया। ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आर्स क्या होता है कि कितना BTU पर एक एक घंटे के अंदर में कितना BTU एयर कंडीशंस को हम निकालते हैं उस कंडीशंस एयर से। बिल्डिंग एनवलप क्या होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ द बिल्डिंग दैट इंक्लोज द इंटीरियर स्पेस इंक्लूडिंग वॉल, विंडो, डोर्स एंड अदर मटेरियल्स। बिल्डिंग एनवलप क्या होता है, एक तरह का लिफाफा जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं जो बंद करते हैं, इनक्लोज करते हैं इंटायर स्पेस को, एक जो एयर कंडीशन का स्पेस होता है जिसमें हम वॉल को भी हम कंसीडर करते हैं। ये बिल्डिंग एनवलप जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं, टनेज निकालते हैं तो काम आता है, तो उसको हम सारा बिल्डिंग एनवलप कहते हैं। अब सी पार्ट में आते हैं। थोड़ा सा बाहर से आवाज़ जो आ रही है उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ, और रीज़न सबसे बड़ी ये कि मैं सुबह सुबह ही रात में मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया था वीडियो, तो मैं सुबह सुबह कर रहा हूँ इसको वीडियो रिकॉर्ड। अब आते हैं कैपेसिटीज़ के बारे में जानने के लिए। तो एबिलिटी ऑफ एयर कंडीशन टू रिमूव हीट फ्रॉम द एरिया, ये एयर कंडीशन की एबिलिटी होती है जिसको हम कैपेसिटी में ये देखते हैं कि कितने टन का है। वो टन का जो है इट इज़ टोटली, अगर आपको बाहर की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मैं माजर चाहता हूँ, आप इन चीज़ पे कंसंट्रेट करें। मैं, मुझे लगता है कि पर वीडियो पाउज कर दूँ क्या, क्योंकि रेगुलर आवाज़ें आ रही है। खैर चलने दीजिए। जो कैपेसिटीज़ हैं वो एयर कंडीशंस की वो होती है कि कितना हीट ये रिमूव कर देती है। चार्ज क्या होता है, चार्ज हम रेफ्रिजरेंट को कहते हैं। चार्ज जब आप जाएंगे ना तो वो कहते हैं कि चार्ज डाल दो या चार्ज कर दो, इस तरह के। कॉइल्स क्या होती है, कंडेंसर कॉइल्स आप देख सकते हैं। कंप्रेसर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियो या कोई सी भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, तो मैंने कंप्रेसर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये कंपोनेंट होता है एयर कंडीशंस का जो प्रेशराइज करता है रेफ्रिजरेंट को, अलाउ करता है पूरे सिस्टम में फ्लो करने के लिए। मतलब एक कंप्रेसर एक पार्ट होता है, जब हमारा लिक्विड वेपर जाता है कंप्रेसर में तो वो प्रेशर करके हमारा आउटडोर जो लगा हुआ है कंडेंसर में भेज देता है। कंडेंस पैन क्या होता है, जो पैन होता है वो हम एक पैन लगाते हैं एवोपरेटिंग कॉइल के नीचे में, जो एक्सेसिव मॉइस्चर होता है वो एयर कंडीशन का ड्रॉप करता रहता है। कभी आप HU को खोल के देखिएगा तो आपको कंडेंस पैन मिल जाएगा देखने के लिए। अगर माइक में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो माइक एक्चुअली में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। कंडेंसर क्या होता है, वो यूनिट होता है जो रिमूव करता है हीट ऑफ द सिस्टम्स को, जो आउटडोर कहते हैं। कंडेंसर में लगने वाले कॉइल्स को हम कहते हैं कंडेंसर कॉइल, जो जहां रेफ्रिजरेंट जो होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, रेफ्रिजरेंट जो कंडेंस होता है लिक्विड फॉर्म में।
कंडेंसर फैन जो होता है वो कंडेंसर फैन कंडेंसर के पीछे लगा होता है, जो क्या करता है कंडेंसर कोयल को फैन करता है। कंडेंसिंग यूनिट जो आप देख लीजिएगा एक बार जाके, कंडेंसिंग यूनिट। कंडीशन शेयर्ड एयर क्या होता है? वो एयर होता है जो एयर डैट हैज़ बीन सर्कुलेट थ्रू द एयर कंडीशन टू रिमूव हीट एंड ह्यूमिडिटी। कंडीशन शेयर के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये होता है ठंडी हवा, जिसे हम नॉर्मल वे में कहते हैं, जो आपके रूम की हीट को रिमूव कर ले और ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करे, तो उसको कहते हैं कंडीशन शेयर। कंडीशन स्पेस क्या होता है? जो एरिया होता है घर का जिसे हमको कूल करना पड़ता है बाय थ्रू एयर, इसको कहते हैं कंडीशन स्पेस। कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम क्या होता है? एन एयर कंडीशन सिस्टम डिजाइन टू प्रोवाइड द कांस्टेंट एयर फ्लो। एक ऐसा डिजाइन सिस्टम जहाँ पे हम एक कांस्टेंट एयर फ्लो दे सकें, उसे कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम कहते हैं। कंट्रोलर क्या होता है? अ डिवाइस कंट्रोलिंग द एयर कंडीशन सच एज थर्मोस्टेट। जो भी हम कंट्रोलर लगाते हैं, सपोज कि हमने इस रूम में एक थर्मोस्टेट लगा दिया, तो हमारा सेंसिंग करता है वो कि हमें 24 डिग्री पहुंच गया है, तो वो 24 डिग्री सिग्नल देता है हमारा BMS को भी देता है और उससे VFD को देता है कि आप कंप्रेसर की जो मोटर है उसको कम कर दो। तो इस तरह के जो कंट्रोलर डिवाइस लगाए जाते हैं जैसे थर्मोस्टेट को। क्रैंक कैस हीटर क्या होता है? स्मॉल हीटर होता है, इंस्टॉल किया जाता है कंप्रेसर पे टू बॉयल ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड को अच्छी तरीके से बॉयल कर दे, रेफ्रिजरेंट को। दैट हैज़ कम्बाइंड विथ कंप्रेसर ऑयल, नॉट ऑल एयर कंडीशन रिक्वायर्ड टू क्रैंक कैस हीटर बट मोस्ट हीट पम्प डू। तो क्रैंक कैस हीटर्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि नॉर्मली इसके लिए यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है हीट पम्प के लिए। साइकिलिंग क्या कहते हैं? द प्रोसेस जिससे एयर कंडीशन हमारा टर्निंग ऑन करता है सम अमाउंट ऑफ एयर एंड टर्निंग ऑफ, उसे साइकिलिंग कहते हैं। सपोज द प्रोसेस ऑफ एयर कंडीशन टर्न ऑन एंड प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ एयर दैट टर्न ऑफ, तो इसको साइकिलिंग कहते हैं। डैम्पर क्या होता है? डैम्पर के बारे में दोस्त मैंने 70 क्वेश्चंस वाले वीडियो में फोटो के साथ लगा रखा है, एक बार जाके प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो है ना HVAC का रामबाण है, अगर आपने उसको देख लिया और इसको देख लिया, ये तो बस टर्म्स हैं जिसे आपको एक बार गो थ्रू होना चाहिए, और वो देख लिया उस पिक के साथ, तो समझिए आपका HVAC लगभग 50% कम्प्लीट हो गया, क्योंकि उसमें मैंने हर कुछ दिखा रखा है। तो डैम्पर क्या होता है? फिजिकल प्लेट जो कंट्रोल करता है एयर फ्लो को और एयर डिफ्यूज़र को, उसे डैम्पर कहते हैं। डीह्यूमिडिफायर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो एयर कंडीशंस के अंदर से एक्सेस मॉइस्चर को रिमूव करता है, उसे डीह्यूमिडिफायर कहते हैं। डिफ्यूज़र्स आप एक बार देख लीजिएगा दोस्त, डिफ्यूज़र को मैं बता चुका हूँ। ड्रेन पेन क्या होता है? ये ड्रेन पेन जो होता है, जो ड्रेनेज ड्रेन जो निकलता है वही होता है सेम, उसके अंदर हम कंडेंस पेन भी कहते हैं, जैसे कि ड्रेन निकालते हैं जहाँ लिक्विड वगैरह जमा हो जाती है उसे ड्रेन पेन कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया एवेपरेटर कॉइल के नीचे। ड्राई चार्ज यूनिट क्या होता है? ये एयर कंडीशन हैज शिफ्ट विदाउट एनी रेफ्रिजरेंट एंड चार्ज आफ्टर इंस्टॉलेशन। अब क्या होता है कि ड्राई चार्ज करके हम लोग भेजते हैं। सपोज कि जब आप घर में स्प्लिट यूनिट लगाते हैं ना, वो चार्ज होता है, उसमें क्या कहते हैं कि सिर्फ जो कॉइल्स दिए रहते हैं उसको अटैच कर देते हैं इंडोर से और आउटडोर से, और उसके बाद उसे ऑन कर देते हैं,
उसमें कुछ चार्जिंग वगैरह नहीं करते हैं, गैस वगैरह नहीं डालते हैं। लेकिन जब आप बड़े बड़े एच्यूज़ एंड एयर कंडीशन डालेंगे तो उसमें हमें गैस डालनी पड़ती है, हमें ख़रीदना पड़ता है गैस, और लंबे से सिलेंडर में आता है। तो वैसा जो विदाउट गैस जो सप्लाई होता है उसे ड्राई चार्ज सिस्टम बोलते हैं। डक्टवेल सिस्टम किस क्या कहते हैं? अच्छा, ड्राई चार्ज सिस्टम के बारे में मैं ये बता देता हूँ आपको कि जब इंस्टॉल होता है तब हम लोग एयर कंडीशन सॉरी रेफ्रिजरेंट डालते हैं। डुअल डक्ट सिस्टम क्या होता है? अ क्लाइमेट कंट्रोलिंग सिस्टम विथ टू डक्ट्स, वन कंटेनिंग हीट एयर एंड अदर कंटेनिंग कोल्ड एयर। ए स्पेसिफिक रूम इज अचीव बाई मिक्सिंग एयर बाई बोथ डक्ट्स। देखो दोस्त, डुअल डक्ट सिस्टम क्या होता है, ये बहुत ही कम कंपनियां बनाती हैं। सैमसंग के कुछ टॉप मॉडल्स आते हैं जिसमें एयर कंडीशन्स के अंदर हम लोग दोनों फैसिलिटीज़ देते हैं, जहाँ हीटिंग एंड कूलिंग भी होता है। तो हम क्या करते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग एक डक्ट से नहीं भेजते हैं, एक तरफ से कूलिंग भेजते हैं और एक तरफ से हीटिंग भेजते हैं। अभी हमको ऐसा मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए जहाँ पे हमको ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म चाहिए, एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। तो हम एक डक्ट से हीटिंग भी भेजते हैं उसके अंदर। तो वही दो डक्ट, एक से तो हमारी सप्लाई आ रही है, एक दूसरे से हमारी हीटिंग वाली वो आ रही है। तो हम एक मॉडरेट टेम्परेचर में पहुंच जाते हैं। तो वो कहने का मतलब है, अगर हम किसी के अगर हम घर के अंदर सिर्फ हीटर ही डाल दें या गर्म हवा डाल दें रूम के अंदर, तो कुछ देर के अंदर इंसान बॉयल कर जाएगा, क्योंकि गर्म हवा आ रही है बार 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 बार। तो उसको अचीव करने के लिए, एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम कोल्ड एयर भी डालते हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है दोस्त। अब आता है डक्ट फैन। दोस्तों ये डक्ट फैन, मैंने एक डक्टिंग की एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर बहुत ही अच्छे से बताया है कि डक्ट फैन जो है, डक्ट के अंदर एक्सियल फैन एंड रेडियल फैन हम लगाते हैं। तो अ फैन माउंटेड इनसाइड द डक्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द, अब क्या कहते हैं, दो तरह की फ़ैन लगती है। हम डक्ट के बीच में अगर सपोज के एक्सियल फ़ैन लगा दिए, एक्सियल फ़ैन जो हमारा फ़ैन होता है वैसे ही होता है एक्सियल फ़ैन। वो क्या करता है कि जैसे जिस थ्रू से एचयू से आ रही है, एचयू में भी ब्लोअर लगा रहता है। अब ब्लोअर की जो स्पीड आ रही है उस स्पीड से तो एयर भेज रहा है, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाते हैं, जब बहुत ज़्यादा लेंथ होती है हमारी डक्ट की, तो उसका क्या है कि जब एयर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करते करते उसकी स्पीड कम हो जाती है। सो हम उस स्पीड को और इंक्रीज कर सकते हैं जब हम डक्ट के बीच में ही एक फ़ैन लगा दें, जिसे डक्ट फैन कहते हैं। डक्ट क्या होता है दोस्त, अगर ये नहीं समझ में आ रहा डक्ट क्या होता है, मेरी वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने डक्टिंग बहुत अच्छे से समझा रखी है। एक ऐसा सेक्शन होता है जिसे स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है मेटल से, फाइबर ग्लास से और प्लास्टिक ट्यूबिंग से, जो कनेक्ट करता है एयर हैंडलिंग यूनिट को और एक डिफ्यूज़र को थ्रू आउट योर होम। डक्ट वर्क क्या होता है? अ सीरीज ऑफ डक्ट मेक द इंटायर हाउस होल्ड सिस्टम। इसे कहते हैं डक्टिंग, इसे कहते हैं कुछ लोग डक्ट वर्क। जब आप बाहर के देशों में जाएंगे तो वो डक्ट वर्क ही कहते हैं। डक्ट वर्क मतलब डक्ट का काम। हमारे यहाँ नॉर्मली डक्टिंग कहते हैं, इंडिया में डक्टिंग कहते हैं, और मैं दूसरे मुल्क में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। नॉर्मली हमारे इंडिया में डक्टिंग कहते हैं, बाहर के देश में आप जाएंगे तो वहाँ डक्ट वर्क कहते हैं। दूसरे मुल्क मतलब आस पड़ोस में क्या कहते हैं नहीं पता मुझे। नॉर्मली एनर्जी स्टार, एनर्जी स्टार क्या होता है दोस्तों? ये बेसिक्स ऑफ HVAC की मेरी क्लास चल रही है, उसके अंदर EER, BER, ये सारे जितने भी छोटे छोटे चीज़ें हैं उसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप जाके एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। अ डिज़ाइन गिवन बाय द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी टू हाई एफिशिएंसी एयर कंडीशंस दैट परफॉर्म एंड बियॉन्ड द गवर्नमेंट मिनिमम स्टैंडर्ड। ये एक इन्वायरमेंटल को मद्देनज़र रखते हुए उसकी एफिशिएंसी को एयर कंडीशंस के हिसाब से, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से,
एक मिनिमम कंडीशंस को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट अपना एक स्टैंडर्ड बना रखी है, उसी को एनर्जी स्टार कहते हैं। वो एक स्टार दो स्टार देती रहती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी ऐड होता है। एवापरेटिंग कॉयल्स जो हैं ये क्या होती हैं, इनसाइड द फर्नेस, इन फर्नेस, फर्नेस से आप डरिएगा मत कि ऐसा फर्नेस लिखा हुआ है। मैंने बताया कि एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर जब हम बड़े चीज़ों की बात कर रहे हैं, आपके रूम की एसी के बारे में उतना नहीं बात हो रही है यहाँ पे। आपकी रूम की एसी जो होती है उसके जो इंडोर होता है वहाँ पे एवापरेटिंग कॉयल्स लगे रहते हैं, लेकिन जब हम बड़े एसी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बड़े एसी की जो कॉयल्स होती हैं वो एसीयू में लगी रहती है, एवापरेटिंग कॉयल्स। जब आप एसीयू खोलेंगे उसमें बड़ा बड़ा जो एसीयू होता है उसका खोलने में सिस्टम होता है, आप झाँक सकते हैं, उसमें सारा सिस्टम होता है। मैं तो एक बार पूरा एसीयू के अंदर अंदर जाके एक बार कुछ लीकेज वगैरह हो रही थी, हाँ हो क्या रहा था, मैं श्री सिटी में था और अंदर में लीकेज हो रही थी कुछ, या पानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर हो गया था, एसीयू के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया था, तो फिर हमें अंदर जाके देखना पड़ा था कि क्या हो रहा था। तो उसमें जो ड्रेन वाटर की एक ट्रे लगी रही थी नीचे में, उस वक्त मुझे पता नहीं था ना कि मैं YouTube पे कभी पढ़ाऊंगा भी, तो वरना मैं वीडियो बना बना के रख लेता सबकी, क्योंकि वो चीज़ आप देखते हैं विजुलाइज करते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो माइक की हिलने की आवाज़ आ रही होगी, मैंने एक वीडियो और भी बनाया था जिसमें माइक हिल रहा था, तो फ्रेंड थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है तो उसमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। तो एवापरेटिंग कॉयल्स आपका कंफर्म हो गया, एवापरेटिंग कॉयल्स कॉयल्स को कहते हैं जो एयर हैंडल एयर एसीयू में लगा रहता है, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वो हीट को एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेंट को बॉयल करता है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट है। एक्सपेंशन वॉल्व्स क्या होते हैं, ये क्या एक्सपेंशन वॉल्व्स जो लगे रहते हैं, अ वॉल्स डेट डील आउट स्मॉल अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट अलाउ देम टू एक्सपेंड इन टू द गैस विच रिलीज हीट। ये एक्सपेंशन वॉल्व जो हैं, जो आपका थ्रॉटलिंग वॉल्व है, एक्सपेंशन वॉल्व है, मेटरिंग वॉल्व है, ये ही एक्सपेंशन वॉल्व लगे रहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट को अलाउ करते हैं और उनको एक्सपेंड कर देते हैं, और उनकी जो हीट को वाइल रिलीजिंग हीट, जब वो रिलीज़ करते हैं ना हीट को, एक बार मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा दे रहा हूँ, आप ऐसे मेरे एक्सपेंशन वॉल्व, मेट्रिक वॉल्व, थ्रॉटलिंग वॉल्व वाली जो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। एक्चुअली में ये वीडियो ये पूरा जेड तक है, सो मैं इन सब चीज़ों को पूरी तरह से डील आउट स्मॉल अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट अलाउ देम टू एक्सपेंड इन टू द गैस, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट होता है उसे गैस के तरफ बना देता है वाइल रिलीजिंग हीट। अब फेरॉन क्या होता है, फीरियन बोलते हैं कुछ लोग, एक रेफ्रिजरेंट है, स्टेबल क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। तो दोस्तों ये क्लोरोफीरियन जो है इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है और इसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा था, मतलब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो ओजोन लेयर उसमें छेद नहीं हो रहा था, ओजोन लेयर की जो लेयर है वो डिप्लेट कर रही थी, मतलब कि वो उसका जो मोटाई है ना लेयर की वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। तो ओजोन होल होल कहते रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हीट गेन क्या होता है, ये वीडियो पूरा हो जाएगा ऐसे आ रहे, एक काम करते हैं
इसको एच तक ही रखते हैं, अब बाकी बाद में करते हैं इसको एच तक। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे।